नाश्ता तो अलग अलग तरह के रोज ही मन करते हैं खाने को, अगर कुछ अलग सा बन जाए तो और भी भूख लग जाती है। तो हम आज बनाते हैं केले के पकौड़े, जो बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट बनने वाले हैं। तो आइए इसके लिए हम लेते हैं, इसके लिए हमें चाहिए केले, और केले के को अच्छे से छील करके और काट लेना है, बिल्कुल ऐसे ही कच्चे केले को काट लेना है। इसके जो भी छिलके हैं बिल्कुल साफ से, हरे वाले पार्ट इसके नहीं रहने चाहिए, ऐसे बिल्कुल साफ क्लीन कर लेना है। काट के इसको बिल्कुल अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, ऐसे। धुलने के बाद इसे बिल्कुल बराबर से लंबे लंबे शेप में ऐसे काट लेने हैं, बहुत मोटे और बहुत पतले नहीं होने चाहिए, बहुत पतले हो जाएंगे तो वो टूट जाते हैं। बिल्कुल इस शेप में ऐसे लंबे लंबे स्टाइल में काट लें आप। तो ये केले बिल्कुल अच्छी तरीके से मैंने काट लिया है, कुछ इस तरह से। अब उसके बाद क्या करना है, मुझे बेसन लेना है। जितना मैंने बेसन लिया है उतना चावल का आटा भी लिया है। अब इसमें मुझे इसको ऐड कर लेना है। इसके बाद इसमें जाएगा जीरा आधा चम्मच, सौंफ आधा चम्मच, और नमक भी जो है आधा चम्मच। बहुत तेज नमक नहीं रहते हैं, स्वाद खराब हो जाता है। थोड़ी सी अजवाइन रहेगी, लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, इसमें हींग थोड़ा सा डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बेकिंग पाउडर डालेंगे, बेकिंग नहीं सोडा पाउडर डालना है, सोडा मीठा खाने वाला जो होता है। गरम मसाला, धनिया पाउडर, और बिल्कुल थोड़ा सा शक्कर, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसे अच्छी तरह से मुझे मिला लेना है, काफ़ी अच्छे से सभी चीज़ ऐड हो गए हैं, और इसमें पानी डाल करके मिलाते जाएंगे। बिल्कुल गाढ़ा घोल नहीं करना है, पहले इसे ऐसा मिलाना है, पहले गाढ़ा रहेगा फिर उसके बाद धीरे धीरे पतला, क्योंकि लम्स पड़ जाते हैं इसमें। इसमें हल्दी पाउडर नहीं मैंने डाला था, तो ये जो है मैंने डाल दिया है थोड़ा सा। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह सूखे सूखे टाइप के करने के बाद अब इसमें पानी डालते हैं, क्योंकि ये काफी अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो इसे घोल बनाना है, इसलिए अब थोड़ा पानी डाल करके फेंटते रहेंगे। केले पे कोटेड हो जाए इतना गाढ़ा घोल हमें बनाना है। बिल्कुल ये रेडी हो चुका है। अब इसे हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ, गैस की तरफ। कढ़ाई मेरी गर्म हो चुकी है, अब इसमें थोड़ा ऑयल डाल देंगे। ये जो है केले को ऐसे डीप कर लेना है, बिल्कुल देखिए कितने आराम से जो है ये कवर हो जा रहा है। अब इसे एक एक करके इसमें डालते जाना है, ऐसे सभी को डाल लेना है, जितने केले के पीस को मैंने काटा था। और थोड़ा जब ये गर्म हो जाए, इसके लेयर हल्के हल्के सूखने लगे, तब इसे पलटना है। गीले रहें तब इसे बिल्कुल नहीं पलटना है, ये सूख चुके हैं, ये क्रिस्पी होता जा रहा है। अब इसे क्या करना है, नीचे के भाग को ऊपर कर देना है, बन चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। इसे मैं निकाल लेती हूँ।
फिर से मैंने डाल दिए हैं और पकौड़े। अब इसी तरह सारे बना लेने हैं और फिर उसके बाद तैयार है आपका। देखिए कितना बढ़िया नाश्ता तैयार होके ये रेडी है मेरा झटपट वाला नाश्ता। और आप टेस्ट करके बताइए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके बाय।